फिर चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर फ्रेंड हो, अगर आप चाहते हो उसकी स्टोरी को चेक करना और उसको पता भी ना चले, ऐसा कुछ चाहते हो आप, ठीक है, तो इस वीडियो में वही चीज होने वाली है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो गाइस बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे किसी और की स्टोरी को चेक करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसको पता भी ना चले, ठीक है। जैसा कि आपको पता हो कि वहाँ पे व्यूज़ का एक लिस्ट आ जाता है जिसमें सारा कुछ शो किया हुआ रहता है कि कितने लोगों ने और किन किन लोगों ने मेरी स्टोरी को चेक किया है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि उसमें मेरा नाम ना आए, ठीक है, मैं किसी और की स्टोरी चेक भी कर लूँ और उसमें मेरा नाम भी ना आए, ये चाहते हो आप, ठीक है। तो इस वीडियो में वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जो कि आप लोगों को शायद पहले से भी पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो मैं बताऊँगा, और एक बार ट्राई जरूर करना। मैंने ट्राई किया है, काम करता है, और अगर काम नहीं भी करता है तो लास्ट में एक और ऑप्शन है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो पक्का काम करने वाला है भाई, ठीक है। तो सिंपली आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है, उसके बाद होम पेज पे आके वहाँ पे होम पेज को लोड कर लेना है। उससे होता ये है ना कि आप अगर होम पेज को लोड कर लोगे ना तो वहाँ पर आपका स्टोरी भी लोड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, वाईफाई वगैरह जो भी, उसको आपको सिंपली बंद कर देना है। उसके बाद दोबारा से उसको ओपन करना, ओपन करने के बाद आप सिंपली चेक कर लेना वहाँ पर स्टोरी, ठीक है। चेक करने के बाद रिसेंट ऐप से उस इंस्टाग्राम को रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको डाटा को फिर से ऑन करना है इंटरनेट को, उसके बाद आपको फिर से चलाना है अपना उसी टाइप से नॉर्मली, अगला को पता नहीं चलेगा। तो गाइज मैंने बताया था कि लास्ट में एक और ऑप्शन है जो कि ये है, instaview.me, इस साइट को आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जिसका भी स्टोरी चेक करना था, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, जिसका भी आपको चेक करना है, उसका सिंपली यूजर नेम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। डालने के बाद सिंपली वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप स्टोरी चेक कर सकते हो, अगला को पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और एक बार ट्राई जरूर करना, अगर काम बन जाता है तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।